एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। बिल्कुल आस्था, देखिए लगातार बड़ी खबर हम ब्रेकिंग सेंटर से बता रहे हैं और अब देखिए विपक्ष भी अपने जो कमेंट है वो देने लगे हैं। ट्वीट किया है राहुल गांधी ने बजट से पहले। राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है, स्वास्थ्य और रक्षा खर्च में बढ़ोतरी हो, ये राहुल गांधी ने कहा है। किसानों, श्रमिकों, एमएसएमई पर भी ध्यान दें, राहुल गांधी ने ट्वीट में इन बातों का जिक्र किया है। तो बजट से पहले अब विपक्ष की तरफ से भी रिएक्शन सामने आने लगे हैं और राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और ये कहा है कि स्वास्थ्य और रक्षा खर्च में बढ़ोतरी हो, किसानों, श्रमिकों, एमएसएमई पर भी ध्यान दे सरकार। तो अब से कुछ ही देर बाद, देखिए अब कुछ ही मिनट्स बाकी रह गए हैं, तकरीबन 15 मिनट का समय रह गया है जब बजट पेश होगा, यानी उम्मीदों वाला ये बजट जिसके लिए दावा खुद निर्मला सीतारमण ने किया है कि ये ऐतिहासिक बजट होगा। और देखिए इसके साथ ही साथ यूपी में भी हलचल है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है भाजपा सरकार से बस इतनी गुजारिश है कि वो इस बार बजट में देश की एकता, सामाजिक सौहार्द, किसान मजदूर के सम्मान, महिला युवा के मान और अभिव्यक्ति की आजादी की पुनर्स्थापना के लिए कुछ प्रावधान करें, क्योंकि भाजपा की विघटनकारी नीतियों से ये सब बहुत खंडित हुआ है, देश हित में जारी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, ट्वीट कम तंज यहां पर ज्यादा सरकार पर कसा गया है और बताया गया है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो देश के लिए हानिकारक हैं, इसलिए उम्मीद अखिलेश यादव ये जता रहे हैं कि इस बार का जो बजट हो वो तमाम उम्मीदों पर खरा उतरे और जो तमाम सेक्टर्स हैं उन्हें कवर करे, किसान मजदूर के सम्मान के लिए ये बजट है।